दोस्तों आप जानते हो बॉलीवुड मूवीज जिसने हिंदू का खुलेआम अपमान किया ऐसे ही पीके मूवी ने शंकर भगवान का और रॉक स्टार मूवी ने हमारे आध्यात्मिक मंत्रों का खुलेआम अपमान किया तो क्या मेकर्स चंद पैसे कमाने के लिए ऐसा सब जानबूझकर करते और अगर हां बिग बीफ का तो फिर रणवीर कपूर बीफ खाकर भी अयोध्या की पावन नगरी में कैसे पहुंचे नंबर वन बेशरम रंग भगवा रंग सनातन धर्म के लिए बलिदान मोक्ष और प्रकाश का प्रतीक है मगर उसी को एक गाने ने बेशर्म कह दिया वो भी उस फिल्म ने जो बॉलीवुड की पहली एक हजार करोड़ कमाने वाली मूवी बनी थी जी हां फैक बाय पे धूम मचाया उतना ही उसने लोगों के बीच आग फैला दी हुआ यूं कि गाना 2022 दिसंबर में रिलीज हुआ और दीपिका को भगवे बिकनी में नाचते देख कई हिंदू नाराज हो गए इनफैक्ट अयोध्या के आचार्य ने यह तक कह दिया कि अगर वह कभी जिहादी शाहरुख को मिलेंगे तो उसे जिंदा जला देंगे मैं ढूंढ रहा हूँ जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उठेर करके उसको दिखाऊंगा शायद यही अहम कारण है कि अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में एस आर के जैसी हस्ती को आमंत्रित नहीं किया गया नंबर टू अन्य भारत माता यानी दुर्गा माँ और काली मां का संगम होता एक स्वरूप इतना ही नहीं आज हम इंडिया में अपनी भूमि को भारत माता कहते भी हैं दिव्य मानी जाती इस देवी को 2014 में आई में ने अपवित्र दिखाया मूवी के एक प्ले में जब एक सोल्जर मर रहा है तो उससे अंतिम बार मिलने खुद भारत माँ आती है लेकिन इमोशनल सुनाई देते इस सीन में अश्लीलता भर के मेकर्स ने भारत माता के कपड़े उतारते हुए दिखा दिया इतना ही नहीं इसके बाद शीला की जवानी गाना भी बचता है कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये अक्षय कुमार की मूवी में लक्ष्मी माता का नाम है लक्ष्मी और उसके बाद बॉम्ब जिसके साथ साथ इस फिल्म की प्रोड्यूसर पे भी कई इल्जाम लगे जब अक्षय कुमार के भूल भुलैया मूवी में हरे राम सॉन्ग निकाला ना सिर्फ इस गाने में मैं भगवान का नाम लिया पर बैकग्राउंड में डांसर्स को भगवा कपड़ा पहनकर नचाया भी गया इतना ही नहीं अगर आप देखोगे तो कई लड़कियों ने पैड के तौर पे कुछ भी नहीं पहना था जब उन्होंने मिशन मंगल राम सेतु और ओएमजी जैसी मूवीज़ की और तो और 2014 से अक्षय कुमार ने 11 पेट्रियोटिक फिल्में की है वो मूवीज जो न सिर्फ हिंदू लोग हिंदू देवी देवताओं का खुलेआम अपमान करती हैं वैसे ही हिंदू देवी देवताओं का नाम लेकर स्टूडेंट ऑफ ईयर ने राधा सॉन्ग रिलीज किया था यहाँ साफ साफ आलिया को राधा और वरुण धवन को कृष्णा कहा गया और गाने के लिरिक्स में राधा के ठुमके और राधा तेरा झुमका हो राधा तेरा ठुमका पीछे पीछे सारी नगरिया और उनकी दो बल जवानी का जिक्र हुआ हो राधा राधा तो पल जवानी है फिर हुआ प्रोटेस्ट और लिरिक्स को थोड़ा बदला गया मगर एडिट से पहले इस गाने के लिरिक्स राधा लाइक्स टू मूव दैट सेक्सी राधा बॉडी थे यानी हिंदू देवताओं के अपमान के बिना इनकी दा नहीं गलती